Thank you. जिनके जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजन पर हम सब इकट्ठे हैं, हम सबको पता है उन्होंने सहकार भारती की न सिर्फ स्थापना की थी बल्कि छोटे से पौधे को अपने परिश्रम से पसीना बहाकर खून सुखाकर उस छोटे पौधे की सिंचाई करके उसको पल्लवित और पुष्पित करने का भी काम किया था और उद्देश्य बहुत साफ था, जो गरीब हैं, निम्न हैं, पिछड़े हैं, उपेक्षित हैं, उनको सहकार के माध्यम से आगे लाया गया। ऐसे दुनिया में अमीरी गरीबी को खाई को पाटने के लिए बहुत से विचार आए, उनके प्रयोग भी हुए, लेकिन हम कह सकते हैं कि दुनिया और देश के अंदर जो आर्थिक विषमता है उसे यदि दूर करना है तो निश्चित रूप से सहकारिता के अलावा कोई दूसरा कोई मार्ग भी नहीं। और इसमें लगभग 250 मिलियन से भी अधिक मेंबर है, 250 मिलियन से भी अधिक मेंबर है। और ये जो 250 मिलियन मेंबर है तो 97% गांव और गांव में रहने वाले जो कुल लोग हैं उसमें से 71% लोग परिवार, 71% परिवार इसमें शामिल। संस्कार नहीं है तो सहकार नहीं हो सकता। मैं इससे सहमत हूं कि जो चुने हुए लोग हैं अच्छी बात करते हैं, लेकिन उसका प्रगटीकरण नहीं होता है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। जहां योग नेतृत्व है संस्कार वाले नेतृत्व है और वहां प्रगटीकरण होता है, और जहां संस्कार वाले लोग नहीं है नेतृत्व करता वहां इसका प्रगटीकरण नहीं। और इसीलिए सोचा होगा कि एक ऐसा संगठन देश के अंदर बने जो संस्कारवान लोगों का हो और संस्कार नेतृत्व की निर्मिति करे। सहकारी क्षेत्र में संस्कारवान नेतृत्व प्रदान करना, उनको प्रशिक्षण देना, हम निश्चित रूप से आपके लिए घोषणा करते हैं कि एक वर्ष हमारे जो ये 20 संस्थान हैं इनके माध्यम से हमारी सरकार नेतृत्व विकास के दृष्टि से आपके सहयोग से पाठ्यक्रम तैयार करके इनके नाम पर पूरे देश भर में नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण का अभियान चलाएगी और एक साल तक कार्यक्रम होगा, उसके लिए पाठ्यक्रम भी बनाया जाएगा। तो प्रतिवर्ष भारत की सरकार इनके जन्मदिन के अवसर पर हर राज्य के अंदर जो एक प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सर्वोच्च होगा, जो अच्छा काम करेगा, उसको लक्ष्मण राव इनामदार सहकारिता पुरस्कार देने की घोषणा करती है। और कम से कम इसके माध्यम से राज्य के अंदर साल में एक बार अपने जन्मदिन के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम करके सहकारिता में लगे हुए लोगों को संस्कार बनाने का एक सबसे बड़ा सफलता प्रदान करेगा। तो प्रतिवर्ष हर बार के कार्यक्रम आने तो 5 जिला कोऑपरेटिव बैंक को और सभी राज्यों में जिस राज्य का कोऑपरेटिव बैंक सबसे अच्छा होगा तो ये राज्य कोऑपरेटिव बैंक और 5 जिला कोऑपरेटिव बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के अंदर प्रतिवर्ष उनके जन्म दिन पर आयोजन करके और सरकार का पुरस्कार देने का काम किया जाए। मैं प्रशिक्षण की बात कर रहा था और यहाँ बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी उपस्थित हैं,
और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो कहना है ना, सबका साथ सबका विकास, ये प्रशिक्षण और शिक्षा पर लगभग दो तीन साल के अंतर में मुझको लगता है कि 100 करोड़ रुपए हम लोगों ने अभी तक खर्च किए होंगे और बड़ी तेजी से इस दिशा में हमारा काम हो रहा है। अब 1 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है कोऑपरेटिव बैंकों में भी, कि मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देश गांव में रहता है। महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदुस्तान गांव का देश, भारत माता एक और हम सब उसके पुत्र, हम सब सगे सहोदर, इस भाव से राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया है कि सबका साथ सबका विकास हो और राष्ट्र परम गरीब अपनी चोटी पर पहुंचे और अंत्योदय का सपना पूरा हो। मैं समझता हूं कि सरकार भारती द्वारा आगे भी सभे लक्ष्मण राव जी इनामदार जी के जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर हम तीन जाति के सपनों को पूरा करने के लिए और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी सरकार भारती के जितने लोग हम लोग काम में लगे हुए हैं, ठीक है समर्पण का 100% भाव नहीं होगा, लेकिन सरकार भारती में आने के बाद भाव हो गया होगा। तो एक वर्ष समर्पण वर्ष के रूप में मनाए सहकार भारती को मजबूत बनाने के लिए, सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए, और तब हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं सब लोगों के साथ मैं आयोजक को बहुत बहुत बधाई दूंगा, इसलिए नहीं कि आपने बुलाया, बल्कि आप न बुलाए होते तो इतने लोगों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता, इसलिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात कहूंगा। स्थान के अंदर सहकारिता हमारी संस्कृति के कारण ही रग रग में बसा हुआ सहकारी भाव, लेकिन 112 वर्ष पहले इस देश में इसको संस्थागत रूप दिया गया, उसका एक्ट बना, और जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करने में सहकारिता की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उसके लिए चाहिए योग्य नेतृत्व। इसका बहुत संकट रहा और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण राव जी ने सहकार भारती के स्थापना की। सहकार भारती के माध्यम से देश के अंदर बिना सरकारी सहयोग के कुशल योग्य नेतृत्व सहकारिता को मिले, इसके लिए प्रत्येक राज्य के अंदर इन्होंने अपनी संगठन खड़ा की और तब से लगातार सहकारी क्षेत्र में योग्य नेतृत्व हो इसके लिए प्रशिक्षण और अब तो रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया है। और समय समय पर मैं जितना दिन से मंत्री बना हूँ तो कई बार इनके मार्गदर्शन से भी सहकारिता के क्षेत्र में काम करने में बल मिलता है, लेकिन असली इनका जो लक्ष्य है योग्य नेतृत्व संस्कारवान नेतृत्व सहकारिता को मिले ताकि उसका लाभ सभासदों को मिले, मेम्बरान को भी मिले, इस दिशा में सहकार भारती काम। सरकार की तरफ से कितना सहयोग दिया जा रहा है? सरकार का तो सरकारी काम है प्रशिक्षण देना शिक्षा देना, इसके लिए हमारी 20 संस्थान हैं। इस समय से पर जब हम इनके साथ बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो दिशा है उसमें कई मूल्यवान सुझाव इनके मिलते हैं और जिसके कारण हम सहकारी क्षेत्र में सरकार के माध्यम से भी, और अब तो हमने तय किया है कि साल में एक बार इनके जन्म दिवस के अवसर पर लक्ष्मण राव इनामदार सहकारिता पुरस्कार देश के अंदर हर राज्य के अंदर पैक्स है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उस राज्य में जो सबसे अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसको इनके जन्मदिन पर सहकारिता पुरस्कार देंगे। इसी प्रकार से 5 राज्यों में जो अच्छा जिला कोऑपरेटिव बैंक है उसको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार देंगे और राज्यों में से एक राज्य जो सबसे अच्छा काम करेगा उसके राज्य सहकारिता बैंक को हम पुरस्कार देंगे। अब ये सहकारिता पुरस्कार प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम प्रतिवर्ष देंगे। चलिए 20 संस्था की जो बात आप कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं चल रहा, मैंने कहा कि गतिविधियों को जानकारी मिल सकती है कि क्या क्या उनके बजट रुका है।